नमस्कार, मैं अमन कौशिक इंडिया मोबाइल न्यूज़ के लिए यहाँ पर भिवानी में रोज़ाना सुबह 4:30 से 8 बजे तक विशाल निशुल्क योग शिविर का आयोजन किया जाता है। आज हम यहाँ पर आए हैं और मैं चाहूँगा कि हमारी इस पूरी फुटेज को, इस पूरी कवरेज को आप देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करें। धन्यवाद। सामाजिक कार्यों में आप रुचि लेते हैं, चाहे गरीब बच्चों की किसी व्यवस्था को लेकर हो, चाहे ब्लड डोनेशन को लेकर हो या और कोई सामाजिक गतिविधियां हो, और यही कारण है कि आप समाज अनेकों समाज कार्य आपके माध्यम से चल रहे हैं, बहुत रुचि रखते हैं आपकी। और डॉक्टर देवेंद्र जी हैं आप, और हमारे बीच में दो बहने हैं, बहन कविता और बहन वैरो, ये भी योग के क्षेत्र में बहुत योग। अतिथियों के स्वागत के लिए आप इस साइड आ जाओ।
बहुत आभार सभी अतिथिगणों का। अपना स्थान लेंगे और मैं और आपका ये भविष्य देखकर मैं बहुत खुश हुआ। यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा मेरे को। और योग गुरु जो अपने रविंद्र जी हैं, ऐसे ऐसे लोग समाज के धरोहर होते हैं, जागरूक है, समाज को जागरूक करते हैं। आपको मैं थोड़ा सा संक्षेप में बता दूं, आप जो ये कर रहे हो शायद आपको इसका ज्ञान हो ना हो, पर मुझे लगता है आपको होगा। हम बीजेपी रोहतक में बैठे बैठे देख रहे होते हैं कि लाखों लोग किन किन बीमारियों से तड़प रहे हैं, उनको ठीक करना भी बहुत एक टेढ़ी बात होती है। कैंसर के मरीज हैं, ट्यूबरकुलोसिस के मरीज हैं, हाइपरटेंशन के मरीज हैं, डायबिटीज के पेशेंट हैं, थायराइड के पेशेंट हैं, और आजकल तो ये अर्थराइटिस ज्वाइंट सब में चला हुआ है, ये भी बहुत बड़ा, बहुत सारी बीमारियां हैं जिनका इलाज बहुत मुश्किल है, दवाइयां खानी पड़ती हैं। और आप लोग जो कर रहे हो ना, ये उन्हीं बीमारियों को दूर भगाने का सबसे आसान तरीका। योगियों को देखिए, जो सीवर है ना, ये निःशुल्क और निस्वार्थ है, और वो काम जो निःशुल्क और निस्वार्थ होता है उसमें भगवान भी साथ देता है। इसलिए आप लोग अपने सहयोगियों को, ये मेरी जो माताएं बहनें बैठी हैं, अपनी सहेलियों को, सखियों को, समाज को जागृत करने का काम करना आप लोगों ने। और ये आप लोग जो ये भलाई का काम कर रहे हो, दूसरे से ये चिंतन से थोड़ा सा बाहर आप निकलो और समाज के अंदर हर घर में भी आसानी से, एक महीना लगभग इस शिविर को चलते हुए हो गया, एक महीना तीन चार दिन हो चुके हैं। और शाम के समय मैंने कल कई भाई बहनों से बातचीत हुई, दूसरों को प्रेरणा अवश्य देनी है। वो खड़ा हो गया तो मैं भी हो लूं, वो नहीं हुआ तो मैं ना करते। मोटापे की वजह से फिर हार्ट की वजह से मौत भी हो सकती है, और बहुत सी बीमारियां मोटापे की वजह से आती हैं, तो ये तो जड़ है। ठीक है, बीपी आई था, ठीक बताओ, बीपी बहुत खतरनाक चीज है, दिमाग को भी फैल कर दे अगर ज्यादा बढ़ जाए तो। हाँ जी, आप लगेगा यदि थोड़ा सा झूठ बोला तो मेरे फोटो के चक्कर में आ जाओ यहाँ। ठीक है, लाभ मिला है वही बताना ईमानदारी से। हाँ जी, टखने में दर्द था, कमर में दर्द था, आराम हुआ। हाँ जी, 15 दिन पहले जी, मेरे पैर में अकड़ लग गई थी, मेरा भाई लेके आया था, एक दिन देखने के लिए आई थी जी, और फिर घूमी और फिर अब मेरे पैर में बिल्कुल ठीक हो गया, अब दर्द नहीं है। सात्विक एनर्जी, एक साथ इतने लोगों का ओम का उच्चारण, एक साथ गायत्री मंत्र का उच्चारण। साइंस ने भी ये माना है कि यदि हम मंत्रों के साथ में कोई भी कार्य करते हैं ना, तो उसके जो लाभ है वो कई लाख गुना बढ़ जाते हैं। और इतने आदमी एक साथ सात्विक भाव से करे, रोग की क्या मतलब है, यहाँ पे तो आके कोई बैठ गया, आती बीमारियां तो उसकी भी ठीक हो जाएंगे। एक ऑक्सीजन का लेवल इतना अच्छा है, यहाँ पे चारों तरफ पानी बह रहा है। हाँ जी, हाँ जी, ये तो डॉक्टरों को नुकसान कर रहे हैं आप। मैंने 3 साल से कोई दवाई नहीं ली, दर्द सकती है। अच्छा, चलो बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, विद्या आज पूरे संसार ने इसको स्वीकार कर लिया है, 200 देशों में ऐसे ही एक साथ ही विश्व एक योग दिवस नहीं मनाया जाने लगा। हाँ जी माता जी, आपका रह गया क्या? हाँ जी बताओ, 16 किलो, और कितने मोटे थे? 100 किलो। चलो घुटनों में ठीक हो गया, बीपी ठीक हो गया, बहुत अच्छी, सूजन भी ठीक है, गैस भी ठीक है। तीन बार महीने में एडमिट होते थे, लगे अंगूठे भीतर मुठिया बंद, कमर के लिए प्यास हो गई, कंधों के लिए प्यास हो गई, पांव के लिए प्यास कर लेते हैं। घुटनों में कोई दिक्कत है, पांव की मांसपेशियां कमजोर है, उसको ठीक करने के लिए श्वास करके कुर्सी की तरह आकार बनाओ शरीर का। वापिस
धीरे धीरे हमारी क्षमताएं विकसित होती चली जाएंगी। आ जा रहे हो, आ जा रहे हो, किस लिए छुट्टी हो रही है ना आपको, चलो वापस ताड़ासन। खींचे ऊपर की ओर, पूरे शरीर को एक्टिव करने के लिए, फेफड़ों के लिए, कमर दर्द के लिए, घुटनों में दर्द है उसके लिए, पूरे शरीर को एक्टिव करने के लिए और बच्चों की हाइट को बढ़ाने के लिए खींचो। छोटे छोटे बच्चों को उसी तरह हुई अभ्यास और सुबह सुबह खाली पेट गुनगुना पानी पी के 3-4 बार करो, पेट भी साफ होगा आपका जल्दी। अब करेंगे वृक्षासन, दाएं एड़ी को बाएं जांघ के बल में ऊपर की ओर स्पर्श करेंगे, घुटना साइड में। एकाग्रता के लिए पहले सही तरह से बनेगा, चंचलता कम होगी। ये चंचलता है ना, ये बड़ी खतरनाक है। हमारी जो इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, स्वामी मन है, उसकी चंचलता को भी इन अभ्यासों से सिखाइए। स्वामी पे भी प्रहार करते हैं तो इंद्रियों को क्या है, बदल मन की चंचलता, एकाग्रता को बढ़ानी चाहिए।